नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। देखिए, कांग्रेस जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस जिस तरीके से 2024 को लेकर के अपने आप को मजबूत करने का काम कर रही है, वहीं उनके साथी दल जो है वही उनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जितने भी उनके साथी दल हैं जो वो उनका विरोध कर रहे हैं। दरअसल जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा है उसका केरल में 18 दिन और उत्तर प्रदेश में 2 दिन जो रुकने को लेकर के माकपा ने ऐतराज जताया, और ऐतराज जताने के बाद अब राहुल गांधी भी लगातार जो है उन पे जो उन्हें हिदायत दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है अपने आप को मजबूत करने का काम कर रही है और कांग्रेस के लिए विपक्षी एकता, विपक्षी मजबूती काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। हालांकि माकपा का ये माकपा जो इस तरीके से बयान दे रही है वो साफ दर्शा रहा है कि माकपा को अपनी अस्तित्व का डर है कि कहीं कांग्रेस हमारे राज्यों में आकर के जो है हमारे वर्चस्व को ना खत्म कर दे। तो राहुल गांधी का भी इस पर दो टूक आया है कि लगातार जो है जिस तरीके से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, आप तमाम विपक्ष के नेताओं को चाहिए कि उसे भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करें और कांग्रेस को मजबूती दिलाने का काम करें ताकि 2024 के पटल पर कुछ बड़ा कांग्रेस कर सके और नफरत फैलाने वाली पार्टियों को जो है रोका जा सके। देखिए, अब इस पर कांग्रेस के संचार महासचिव जो है जयराम रमेश, उनका भी बयान आया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब हाथी जो है वो चल पड़ा है, इस वजह से कुत्तों के भौंकने की आवाज तो आएगी। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहे और देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज़।